बार इकट्ठे हुए हो, क्या मामला है? क्या मामला है? मैं मेरे मकान मालिक को पीटा था। किसने? इस कारण इसने मेरे लड़के पे दारू बिकवाता, शाम को पी के आता, मार पीट करता, कपड़े भी फाड़ता मेरा लड़का, और गाजी गेट पे खड़ा रहता। कौन है, कौन दारू बिकवाता है? गाजी। गाजी कौन है? जानती नहीं है। सरगना। अच्छा, पूरा नाम क्या है? गाजी। कहाँ रहता है वो? वही है, गाजी खान है उसका नाम। नहीं, कहाँ? गाजीपुर में वही रहता है। वही का मतलब कहाँ, किस एरिया में रहता है? डबुआ कॉलोनी में रहता है। अच्छा, डबुआ कॉलोनी में। तो आज क्या मामला हुआ, जैसे आप लोग इकट्ठे हुए हो, सब 150 आदमी यहाँ, क्या मामला हुआ कुछ बताओ? यही है, मामला ये है कि ये हमारे इसने हमारे पिताजी को मारा शुक्रवार रात को। अच्छा, हम थे कंपनी में, हमारे घर का कोई भाई बंधु कोई नहीं था, बहुत 60 साल की उम्र है हमारे पिताजी की। इन्होंने उसे मारा और सरियों से लंबा कर दिया मार के, और फोन करता है हमारे भाई के पास कि भाई अपने बाप को उठा ले जा, तेरे बाप के हाथ पर तोड़ दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दशरथ यादव। अच्छा, आप भी डबुआ में रहते हो? मेरे हाँ, मैं डबुआ में रहता हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी के साथ वारदात हुई है। अच्छा, और अब वो भी हमारे प्लॉट पे। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जाए उसके साथ। और यहाँ एक चौकी के अंदर आस मोहम्मद उसका मामा है, खुला कहता है वो, आज मोहम्मद उसका मामा ये कहता है खुला कि दारू तो ऐसी ही बिकेगी गाजी की। अच्छा, इनको मारा गया है जो? अच्छा, ये सूज गए हैं इनके। पट्टी बंदी, पट्टी देखो, पट्टी पट्टी बंद रही है। गरम पट्टी दिखाओ भाई, गरम पट्टी है। ये सूजन आ गई है, रॉड छपी थी इनकी पीठ पर। ये एक किडनी के आदमी, अभी ऑपरेशन हुआ है 2 साल पहले। आज मारा गया इनको? ये शुक्रवार रात को। शुक्रवार रात को। क्या? अच्छा, किसने मारा था? गाजी, गाजी के आदमी थे। अच्छा, गाजी, गाजी के लड़के थे। पुलिस वाले गए, हमें हमारे खिलाफ रिपोर्ट करी। पुलिस वाले कहते हैं, आगे बोलना, आगे आगे बोलना। पुलिस वालों ने ये बोला, पुलिस वाले यहीं से गए, हमारे चोट लगी थी, और हम पुलिस थाने से पुलिस गई कि दशरथ जितेंद्र और मेरे भाई बकरी, बकरी बकरी कहते हैं उसे, तो ये कहाँ, इन्होंने उसके गाजी के लड़कों को मारा। गाजी के लड़के कहाँ से हो गए? गाजी की शादी नहीं हुई, लड़का कोई लड़के कहाँ से हो गए उसके? हाँ, बदमाश है उसके चेले। दारू वारू देखते, दारू देखते खुले, दारू खुले हम देखते हो। हाँ बताओ। ये ना सब डबुआ कॉलोनी के रहने वाले हैं, गाजीपुर रोड डबुआ कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं। इस लड़के का आतंक है, उसके पास 15-20 गुंडे पाल रखे हैं, उसने दारू बिकवाता है, दारू का अवैध काम है, लोगों से दारू बिकवाता है, जुआ खिलाता है, उसके पास पिस्टल पिस्टल भी बताइए, उसके पास चार फायर करी है, फायर किए, चार फायर किए हैं। ये पुलिस के पास आए, चार फायर की नहीं सुनी, कुछ बैठ गए। पिछली बार मेरी लड़की का रेप किया तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, सर रेप हो चुका है, रेप हो चुका है, घर में पकड़ा गया, घर में पकड़ा गया, मार दिया, और इधर है घर में, ये पिछले साल सीढ़ी पे से खींच खींच के कॉलर पकड़ पकड़ के मारा, पूरा गली खड़ा होकर पूरी गली मारा। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हो रही, उल्टी कार्रवाई निकला कर रहे पुलिस वाले, इसलिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। आज मोहम्मद उसका मामा है, और वो खुले कहता है आज मोहम्मद मेरा मामा है, जो करना जो कर लो, कॉलोनी वाला कुछ नहीं कर सकता मेरा, ठीक है, आए दिन धमकी देता है। आज चार पांच गली पूरी, चार पांच गली पूरी गली है, पूरी गली किसी की लड़की कॉलेज जाएगी, देखेगा तो कहेगा साली तुझे कॉलेज से उठा लेंगे, किसी के घर में देख लेता है कि इसके घर में कोई लड़ने वाला नहीं है, तो घर में घुस के नहीं, वो सब डबुए में रहते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे पूरी गैंग को लेकर गली में घूमता है, किसी का कूलर में डंडा मारेगा, किसी के जिले में डंडा मारेगा, किसी पे जिले में। गाजी का पूरा नाम क्या है? गाजी खान कहते हैं। गाजी खान, गाजी खान है। इसलिए हम लोगों के मोहल्ले में जीना हराई की जाए। ये कहता है मेरा मामा पुलिस में कमिश्नर है, कानून कार्रवाई की जाए, ठीक है, की पर्दी उतरवा जाए।